औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पर देख चुके हैं, हम आज एप्पल कंपनी का लोगो बनाना सीखेंगे, वो भी बेहतरीन और आसान तरीके से। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ करा देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम असगर और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हैदरी ग्राफिक। मेरी वीडियो से बाकायदा सीखने और फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल हैदरी ग्राफिक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दिया करें, क्योंकि आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, यूट्यूब इस बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए से ही मेरी इस न्यू वीडियो के मुतल्लिक आपको आगाह करेगा। और यकीन आप मेरी वीडियोज़ ट्यूटोरियल की मदद से बेहतरीन और पुरवकार ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी इस काविश को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि YouTube की जानिब से ये बिल्कुल फ्री है। ओके, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैंने अपना प्रोग्राम कोल ड्रा ओपन कर लिया, ये मैंने तैयार किए। ओके, अब मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। मैं ब्रिजर टूल की मदद से इसको बनाऊंगा। ओके, ओके, यहाँ से मैं इसकी शेप बना लेनी है। मैं इसको टू कर्व कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे। ओके, मैं यहां पर ले आया मैं इसको। मैं नीचे कर दिया, थोड़ा सा डाउन मूव कर दिया। यहां फिर वही प्रोसीजर टू कर्व। सेम सेम
ओके ओके अभी हमने इसको कारो कर देना है। बिल्कुल ऐसे इसमें क्या है सेम प्रोसीजर है। ओके अब देखें मैंने इसको तैयार कर लिया। ये आ गया और ये आ गया। अब बताएं कौन सा कलर फिल करूं इसमें। येलो करके दिखाऊं ये ना लोगो। इसमें अगर आपको कोई मसला है यहाँ थोड़ा सा कर मजीद कर सकते हैं आप इसको। सो ओके अगर इसमें आपको कोई मसला आ रहा है कुछ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगा। और सो ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त अल्लाह हाफिज़।